हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चौधरी दर्शित सो टुडे माय टॉपिक इज़ इंग्लिश विकैबलरी पार्ट ट्वेंटी वन सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश ग्रामर सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन सो हेलो एवरीवन आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश वकीैबलरी पार्ट ट्वेंटी वन जिसमें हम जो है वो कैबलरी अपनी इन्हांस करेंगे अपनी जो विकैबलरी है और प्रोनासीशन स्किल है उनको एनहांस करेंगे तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है हम वर्ड ले रहे हैं डेजर्ट डेजर्ट जो है दोनों ही जो पिक्चर्स में दिख रहा है तो इस बोलने में ये क्या कहलाया जाएगा डेजर्ट ही कहलाया जाएगा हम डी ई एस ई आर टी बोलेंगे और इसे भी डी ई डबल एस ई आर टी यानी कि डेजर्ट बोलेंगे डेजर्ट लेकिन जो इनकी स्पेलिंग है उसमें फ़र्क है प्लस इनके मीनिंग में फ़र्क है जैसे कि डी ई एस ई आर टी जो सिंगल एस है डेजर्ट दैट मीन्स रेगिस्तान और इसका क्या मतलब है एन एरिया ओफन कवर्ड विद सैंड कि वो एरिया जो हमेशा सैंड से कवर्ड रहे जैसे कि फॉर दे वर लॉस्ट इन द डेज़र्ट फॉर नाइन डेज कि वो रेगिस्तान में नौ दिनों के लिए गुम हो गए थे तो इस डेज़र्ट की जो है ये मीनिंग है और ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया अब जो है जो सेकंड डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें डबल एस आता है वो क्या है एक स्वीट फूड है चन ऐट द एंड ऑफ अ मील जिसे हम जो है ज़्यादातर खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए लाइक like दैट तो उसको क्या बोलते हैं डेजर्ट फॉर डेजर्ट देयर्स एप्पल पाई और फ्रूट कि डेजर्ट के लिए क्या है एप्पल पी है और फ्रूट है इसको एप्पल पी भी बोल देते हैं एप्पल पाई भी बोल देते हैं सो so, ये दोनों के जो स्पेलिंग है उनमें फ़र्क था और साथ के साथ इनके मीनिंग में फ़र्क था सो so, हम ये कह सकते हैं कि इट्स लाइक होमोफोन्स सेम डिफरेंट मीनिंग ये एक होमोफोन हो गया ठीक है अब नेक्स्ट जो है वो है लाइटनिंग ठीक है अब लाइटनिंग जो है देखिए एल आई जी एच टी आई एन जी लाइटिंग और ये जो है ये क्या है लाइटनिंग एल आई जी एच टी एन आई एन जी अब इसकी स्पेलिंग में भी फ़र्क है थोड़ा सा प्रोनाशिएशन में भी फ़र्क है और मीनिंग में भी फ़र्क है अब जो पहला लाइटिंग है लाइटिंग क्या है लाइटिंग इज द अरेंजमेंट और टाइप ऑफ अ लाइट इन अ रूम हाउस एट्सट्रा कि जो लाइटिंग है वो क्या है कि भाई हमारे रूम में हमारे घर में जो है वो किस टाइप की या किस टाइप की एक अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स जो है हम उसको कह सकते हैं लाइटिंग एल आई जी एच टी आई एन जी लाइटिंग फॉर एग्जाम्पल द लाइटिंग इन द रूम वॉज पुअर ब्राइट कि जो रूम में जो लाइटिंग थी वो बहुत कम ब्राइटनेस क्रिएट करती है मतलब बहुत कम ब्राइटनेस होती है उससे तो इस लाइटिंग का मतलब है कि एक अरेंजमेंट की जो रूम है हाउस है ऑफिस है उसमें किस टाइप की कि किस काइंड ऑफ लाइट लाइट जो है light, है लाइटिंग ठीक है नेक्स्ट जो है वो है लाइटनिंग लाइटनिंग एल आई जी एच टी एन आई एन जी लाइटनिंग लाइटनिंग इज द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट ड्यूरिंग द स्टोर्म्स की जो लाइटनिंग है जो बोले बिजली कड़क गई तो वो क्या है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो जनरली तूफान के टाइम पे जो है जब मौसम खराब हो जाता है तब होता है द ट्री वॉज स्ट्रक अ रीसेंट थंडर स्टॉम की जो रिसेंट थंडर स्टॉम हुआ उसमें जो है जो ट्रीज जो है वो पेड़ जो है वो स्टक कर गए तो ये दोनों में different. अब जो नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है वो है कैलेंडर दैट इज सी ए एल एक मिनट सी ए एल ई एन जी आर कैलेंडर और जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं कैलेंडर क्यूलेंडर कलेंडर ऐसे ही बोल सकते हैं क्यूलेंडर कलेंडर ठीक है calendar, calendar. अब जो कैलेंडर है कैलेंडर सी ए एल ई एन जी ए आर कैलेंडर इज एनी सिस्टम बाय विच टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू डेज वीक्स मंथ एंड ईयर तो जनरली हमें पता है कि कैलेंडर क्या होता है जिसमें जो है जो टाइम है उसमें डेज में वीक्स में मंथ में ईयर्स में होता है जैसे कि एन ओल्ड कैलेंडर फॉर 2012 थाउजेंड वो स्टिल हैंगिंग ऑन द वॉल कि 2012 का जो पुराना कैलेंडर है वो अभी भी दीवार पर लटका हुआ है ठीक है ये तो कैलेंडर की बात हो गई जो जनरली हर घर में मिल जाता है दूसरा भी जो है वो हर घर में मिलेगा लेकिन इसको जो है कलेंडर थोड़ा बहुत जो सेम प्रनसीशन है हल्का सा बिल्कुल माइनर फ़र्क है कलेंडर वो क्या है क्लेंजर क्लेंजर जो है वो एक बोल शेप किचन यूटेंसिल है विद होल्स इन इट यूज्ड फॉर ड्रेनिंग फूड्स जिसका यूज़ जो है फूड को ड्रेन करने के लिए किया जाता है फॉर एग्जांपल आफ्टर फोर मिनट्स पॉर द पास्ता इन टू टू ड्रेन की पास्ता को जो है कलेंडर में डाल दिया ताकि Uh, जो है उसको ड्रेन कर सकें जैसे कि कोई भी वेजिटेबल्स को धोने के लिए या पास्ता जो है उसको गर्म पानी में से एक तरीके से सीव करने के लिए जो है हम इस खुलंज का uh, uh, का हम यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है लेस वर्सेस फ्यूअर कि लेस और फ्यूअर में क्या डिफरेंस है लेस मीन्स नोट एज मच कि लेस का जो मतलब है वो होता है नोट एज मच और वी यूज़ लेस विद अनकाउंटेबल नाउंस लाइक मिल्क हम जो है लेस का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउंस के साथ करते हैं उन नाउंस के साथ उन संज्ञा के साथ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते जैसे कि मिल्क जो है हम ये नहीं बता सकते कितना मिल्क है काउंट नहीं कर सकते कुड यू गिव द कुकी मोंस्टर लेस मिल्क नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विश आई कुड स्पेंड लेस टाइम ऑन द हाउस होल्ड वॉक्स की जो है लेस का मतलब क्या हुआ नोट एज मच और जो फ्यूअर है उसका क्या मतलब है नोट एज मैनी सो वी यूज़ फ्यूअर विद काउंटेबल नाउंस लाइक कुकीज़ कि हम जो है जो फ्यूअर है उसका यूज़ किसके साथ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ जिनको हम गिन सके जैसे कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है पांच कुकीज है लेकिन अब इस मिल्क में नहीं बता सकते कि इसमें कितना मिल्क है वो अलग बात है कि क्वांटिटी लिखी होती है तो ये हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स तो जो लेस और फ्यूअर में क्या डिफरेंस है लेस जो है उसका यूज़ होता है नोट एज मच और फ्यूअर का यूज़ होता है नोट एज मैनी जैसे कि cookie मॉन्स्टर वॉज टोल्ड टू ईट फ्यूअर कुकी की वो थोड़ी सी कुकीज़ खाएगी फ्यूअर देन एट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैव ब्ल्यू आईज की लेस जो फ्यू आठ परसेंट जो लोग हैं उनसे भी कम लोगों की जो है आइज जो है उसका कलर जो है वो ब्लू कलर का होता है तो इनमें जो है एक मोटा मोटा क्या डिफरेंस है मच और मैनी का नेक्स्ट हमारा जो है वर्ड है वो है एनी वे और एनी स्पेस वे अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है जो एनी वे इकट्ठा है वो क्या है एक एडवर्ब है जिसका मतलब है रिगार्डलेस जैसे कि आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दार्टी एनी वे कि भाई मैं नहीं ही जाऊँगी भाई पार्टी में और जो दूसरा एग्जाम्पल है आई वॉज रे इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू द पार्क एनी वे कि बेशक से बारिश हो रही हो लेकिन हम जो है जाएंगे सो एनी वे का मतलब है रिगार्डलेस इट वॉज स्नोइंग हार्ड बट वी ड्रॉ टू द्ले एनी वे कि बेशक से जो है हार्ड स्नोइंग हो रही हो लेकिन हम जो है ड्रॉ करेंगे टू प्ले जो एनी anyway वे का मतलब है रिगार्डलेस और एनी स्पेस वे का मतलब क्या है एक फ्रेज है मीनिंग एनी मैनर और मैथड जिसका मतलब क्या है कोई भी एक तरीका फॉर एग्ज़ाम्पल वी कुड टेक एनी वे वी वॉन्ट टू गेट टू द पार्टी कि भाई किसी भी तरीके से किसी भी मैथड से हम जो है पार्टी में जाएंगे आई विल टेक द सपोर्ट एनी वे आई कैन गेट इट कि भाई मैं किसी भी तरीके से अपना सपोर्ट हासिल कर सकती कर लूँगी कर सकती हूँ फिनिश द जॉब एनी वे यू चूज भाई अपनी जो जॉब है उसको फिनिश करो जो तुमने चूज करी है तो जो एनी वे इकट्ठा आ रहा है दैट मीन्स रिगार्डलेस और एनी स्पेस वे का मतलब क्या है एक मैथड एक मैनर और ये एक फ्रेज है और वो क्या है एडवाल्व नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है वो है रेंट दोनों की स्पेलिंग जो है सेम है पर डिफरेंस क्या है रेंट जो है वो एक वर्ब है और ये वाला जो रेंट है वो भी एक वर्ब है तो रेंट जो है उसका यूज़ जो है वो दो अलग अलग जगह पे होता है कैसे पहला तो है टू सेल और लीज़ द यूज़ ऑफ अ कॉमोडिटी कि जब जो है हम कोई भी कमोडिटी को जो है बेच रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं तो वहाँ पर रेंट का यूज़ होता है जबकि शी रेंटेड रूम्स टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जो अपने रूम्स को रेंट पे दे दिया ठीक है और जो दूसरा रेंट है उसका यूज़ जनरली कहाँ पर होता है टू बाय द यूज़ ऑफ अ कॉमोडिटी की जो हमने कॉमोडिटी ली है बाय की है उसके यूज़ के लिए जैसे कि शी रेंट अ हाउस विथ थ्री अदर गर्ल्स की उसने जो रेंट वाला हाउ, जो लिया घर लिया या रूम लिया वो तीन लड़कियों के साथ मिल के लिया टू यूज ऑफ अ कोमोडिटी तो जो रेंट है उसका जो यूज़ है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कैसे होता है ये उसके एग्जाम्पल्स हैं ठीक है ठीके? दोनों का ही सेम स्पेलिंग है वर्ब है लेकिन एक जगह जो है हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं और दूसरी जगह जो है जब हम उस बेची हुई चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तब ठीक है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लॉस वर्सेस लूज सो एस एसी लोस और दूसरा क्या है लूज डबल ओ तो आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कार की जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि मैं जो है हमेशा लूज लॉस कर देती हूँ लूजिंग माई कार की घुमा देती हूँ अपनी कार की इसको घुम कर देती हूँ और दूसरा जो लूज है वो क्या है मतलब ढीला हो जाना कुछ चीज़ कि भाई इफ अ टूथ फील्स वेरी लूज आई रिकमेंड इट टू शुड बी टेकन आउट कि जो जो दांत है अगर वो ज़्यादा ही ज़्यादा हिल रहा है लूज हो गया है तो इसको निकाल दो बाहर सो so, जो एल ओ एस सी एल लो लोस ये क्या है द वर्ड लॉस इज़ अ वर्ब सबसे पहले तो ये एक वर्ब है और इसका मतलब क्या है टू फेल टू विन कि हम जो है जो भी हमारा टास्क है उसको जो है हम नहीं जीत पाए उसको फेल uh, हो गए उसको जीतने में हमने वो मैच लूज़ कर दिया या वो जो पार्ट है वो लूज़ कर दिया कुछ भी चीज़ का ठीक है या फिर हमने जो है कोई चीज़ क्या कर दी मिसप्लेस कर दी घुमा दी इधर उधर रख दी और टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम समथिंग और सम या फिर हम जो है किसी भी चीज़ से जो है किसी भी अनवांटेड चीज़ से रिलेशनशिप से जो है निकल चुके हैं या हटा चुके हैं उसको तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है लोस का एल ओ एस ई लोस सेकेंड जो है लूज उसका क्या मतलब है सबसे पहले द वर्ड लूज इज़ एडजेक्टिव ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है स्लैक मूवे मूवेबल और वीक भाई स्लैक मूवेबल और वीक की भाई वो चीज़ जो है कमजोर हो गई है या मूव कर रही है तो वहाँ पर हम जो है क्या किसका यूज करते हैं लूज का नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एमीग्रेट्स वर्सेस इमिग्रेट्स सो ई एम आई एमीग्रेट का मतलब क्या है टू लीव अ कंट्री इन ऑर्डर टू लिव परमानेंटली इन इनदर कि हमने जो है एक देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं परमानेंटली जैसे कि आई वॉन्ट टू एमीग्रेट फ्रॉम जर्मनी कि बिकॉज आई के नॉट फाइंड अ जॉब कि भाई मुझे जो है जर्मनी से एमीग्रेट करना है उसको छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाना है क्योंकि मैं यहाँ पर एक जॉब जो है वो सर्च नहीं कर पाई हूँ ढूंढ नहीं पाई हूँ तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे एमीग्रेट्स का क्योंकि यहाँ पर जो है हम एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं इन ऑर्डर टू लिव परमानेंटली ठीक है दूसरा जो है इमिग्रेट आई डबल एम आई टू कम टू अ डिफरेंट कंट्री इन ऑर्डर टू लिव देअर परमानेंटली कि हम जो है आ रहे हैं एक दूसरी कंट्री में उसको छोड़ के नहीं जा रहे आ रहे हैं टू लिव देयर परमानेंटली ताकि वहाँ हम परमानेंटली रह सके जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आयशा इमिग्रेटेड टू चाइना आफ्टर लिविंग सिंगापुर कि सिंगापुर के बाद जो है वो चाइना इमीग्रेट कर गई ईशा जो आयशा जो है वो इमीग्रेट कर गई तो ये जो है ये डिफरेंस था एमीग्रेट वर्सेस इमिग्रेट में एमीग्रेट में मतलब जब हम एक कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं और उसके पीछे एक कारण है और इमीग्रेट जो है भाई हम जो है एक कंट्री की बजाय दूसरी कंट्री में जा रहे हैं लेकिन उसके पीछे एक आ, कोई आ, कारण नहीं है मतलब या तो कह लो कि एक शौक है कि भाई हाँ हा, यहाँ पर एक साल रह लिया दूसरी जगह रहते हैं तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया Thanks for watching. For more updates, like, share and subscribe my YouTube channel.